हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल पे आके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनको थैंक यू। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे क्या होगा, जो भी मेरे न्यू वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगी। थैंक यू। तो आज की मेरी जो रेसिपी है वो है मूंग दाल के हलवा, जो पीली वाली मूंग की दाल होती है उसका हलवा, जैसे आपने शादी वगैरह या किसी फंक्शन वगैरह में खाया होगा। तो इसको इसमें एक मेन चीज़ ये है कि मैंने इसे बिना भिगोए हुए दाल से बनाया है, मीन्स ये इंस्टेंट मूंग दाल हलवा है, क्योंकि जो भिगो के बनाया जाता है उसे 4-5 घंटे तक दाल को भिगो के रखना पड़ता है। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका जब भी मन करे तो आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूंग का हलवा। तो फटाफट पहले हम इसमें इंग्रेडिएंट्स सामग्री देख लेते हैं। ये 1 कटोरी या 250 ग्राम मैंने मूंग का दाल ले रखा है, आप और कम भी ले सकते हैं। और इसे मैंने धोया नहीं है, ये इंस्टेंट हम बना रहे हैं इसलिए धो के भिगोया नहीं है। इसे अच्छे से पोंछ लिया है कपड़े में। और ये घी ले रखी है मैंने लगभग 1 कटोरी, ये मैंने आपको और दिखाया है, मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी। और ये 2 कप मैंने इसमें दूध ले रखा है, और 1 कप में ग्लास सॉरी 1 कप मैंने पानी भी ले रखा है। आप ऐसे पूरा दूध भी यूज़ कर सकते हैं या पानी भी यूज़ कर सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। और लगभग 1 कटोरी मैंने मलाई ले रखी है, खोया मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खोया इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि इसमें इतना वैसे ही घी वगैरह पड़ता है, इससे मैंने खोया नहीं लिया। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और किशमिश ले रखा है, और ये छोटी इलायची, वो ग्रीन वाली जो छोटी इलायची होती है उसके बीज को मैंने निकाल के अच्छे से कूट लिया है। और ड्राई फ्रूट को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, या इससे भी छोटे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इलायची पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। चीनी देखिए मैंने लगभग 1 कटोरी ले रखी है। मीठा देखिए आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मीठा ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब हम दाल को मिक्सी में पीस लेंगे, इसमें पानी नहीं मिलाना है, हमें ड्राई ही इसे पीसना है, और हल्का दरदरा पीसना है, बहुत मोटा दरदरा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पाउडर जैसा भी नहीं करना। अब ये देखिए हमने दाल को पीस लिया है, कुछ इस तरह हाथ से अपने ऐसे करके टच करके देखिएगा, बहुत मोटे दाने ना हो और एकदम महीन भी ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पैन गरम हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच घी डाल के हम ड्राई फ्रूट फ्राई करके अलग रख लेंगे, ड्राई फ्रूट्स हम सारा इसमें फ्राई कर लेंगे। आप टुकड़े जो है, आप पीसेस जो है ड्राई फ्रूट्स के अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हल्का ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जलाएंगे। देखिए हल्के हल्के ब्राउन हो गए, काजू में दिख रहा होगा और किशमिश हमारी फूल गई है। तो अब इसको हम निकाल के एक कटोरी में अलग रख लेंगे, इसे हमें लास्ट में यूज़ करना है। तो अब आगे का प्रोसेस करते हैं, इसमें जो घी बची है उसे में और घी हम निकाल लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी दिया है दाल, तो उसके उसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगेगी, तो मैंने लगभग 3 चम्मच बड़े चम्मच घी लिया है मैंने। अब इसे थोड़ा गर्म हो जाएगा, पक जाएगा घी हमारा, तो उसमें हम दाल डाल के जो पाउडर है हमारा इसको भून लेंगे अच्छे से। पहले तो ये देखिए पूरा घी जो होगा ये सोख लेगा इसमें, फिर धीरे धीरे वो घी इसमें से छोड़ना शुरू हो जाएगा। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें ये इसका कलर ना चेंज हो जाए और हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी महक ना आने लगे। ये देखिए पहले इसमें तो घी सारा अब्जॉर्ब हो गया है, ऐसे कंटिन्यूअस आपको चलाते रहना है, ये नहीं कि आपने बीच में छोड़ के कहीं चले गए, ऐसे क्या होगा, एक जगह जल जाएगा, एक जगह रह जाएगा। और ये देखिए पूरा घी अब धीरे धीरे छोड़ने लगा है, लेकिन ये अभी पका नहीं है, ये भुना नहीं है, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, तो इसको ऐसे ही घी ऐसे ही रहेगी, ऐसे थोड़ा गीला सा ही दिखेगा आपको, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस इसको कंटिन्यूअस आप इसे चलाते रहिए और इसे आपको महक आने लगेगी भुनने की अच्छी सी भीनी सी, और कलर भी आपको थोड़ा सा रेड सा लगने लगेगा, लाल सा। तो इसको थोड़ी देर अभी हम और पकाएंगे।
चारों तरफ से इसे घुमा घुमा के इसे अच्छे से भूनना है हमें, क्योंकि अगर इसमें ज़रा भी कच्चापन रहेगा तो इसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा बाद में खाने में। अब हम दूध इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिलाते रहेंगे, और इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, गांठें नहीं पड़नी चाहिए। देखिए जैसे इसमें पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि अब ये धीरे वो जो उसके जो दाल होती है वो फूलना शुरू हो जाता है, तो इसे जल्दी जल्दी चलाते रहना है। जैसे देखिए लम्प्स उसमें पड़ने लगे हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे हम जैसे चलाते रहेंगे ये स्मूथ होता जाएगा। अब यहाँ पे 2 कप मैंने दूध डाल दिया है, अभी भी इसमें ज़रूरत और है, तो अब मैं इसमें पानी यूज़ करूँगी। अभी 1 कप डाला है, अगर मुझे और नीड होगी तो मैं और डालूँगी। ये देखिए अच्छे से हो गया। अब देखिए ये भूनते भूनते अब उसमें लम्प्स चले गए, और ये अब इसमें घी छोड़ना स्टार्ट हो गया, इसे अभी और भूनना है थोड़ा, ताकि जो इसमें पानी अभी हमने मिलाया है वो भी ख़त्म हो जाए, पानी की उसमें ना रहे। अब ये देखिए हमारे जो दाल थी वो फूल के और दुगना लगभग दिख रहा है। अब अगर आपको चलाने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा घी बीच बीच में मिला सकते हैं। अब मैंने शुगर भी मिला दिया है इसमें, चीनी। अब चीनी को मेल्ट होने तक इसमें हम भूनेंगे। अब देखिए दानेदार हो गया, ये अलग अलग से दिख रहा है हमारा हलवा, ऐसे ही बनाना है ताकि उसमें सब कुछ अलग अलग से दिखे। अब चीनी मेल्ट हो चुकी है, कलर देखिए हलवा का हमारा और अच्छा सा आ गया है। चीनी डालने के बाद ही कलर अच्छा सा आ जाता है, चेंज हो जाता है कलर। देखिए इसको ऐसे भूनते रहेंगे। अब हम लास्ट में चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मलाई जो थी मलाई को हमने डाल दिया, और साथ में हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए बचा लीजिएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इसको ढक के रख देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, जो उसके एक एक दाने हैं वो अच्छे से खिल जाएंगे, अच्छे से मतलब बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और फिर 5 मिनट के बाद गैस ऑन करके हल्का सा फिर भून लेंगे, और ये हमारा हलवा बनके तैयार है। इसमें देखिए कितना खिला खिला सा ये हलवा लग रहा है, इसको अच्छे से ही पीसने पे ही ऐसा आता है दानेदार सा हलवा, क्योंकि अगर एकदम महीन पाउडर सा कर देंगे तो ये लापसी जैसा बन जाएगा, जो कि बहुत ही गंदा लगेगा खाने में, अच्छा नहीं लगेगा। आप इसे ड्राई फ्रूट से आप गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। और इससे इसमें इतना ज़्यादा इसमें घी वगैरह यूज़ होता है, ड्राई फ्रूट्स दूध वगैरह यूज़ होता है, तो आप इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइएगा, एक बार में बहुत ज़्यादा लेके मत खाइएगा। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रखिए, जब आपको मन करे खाने का थोड़ी क्वांटिटी में लेकर गर्म करिए उसे, फिर खाइए। और इसको अगर आप खोया डालना चाहते हैं तो ऊपर से खोया थोड़ा बहुत डाल के आप इसे खा सकते हैं। ये सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छी डिश होती है, क्योंकि इसमें सारी गर्म चीज़ें ही हैं। मूंग वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसे आप लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे, ये नहीं कि एक बार में ही बहुत सारा खा लिया, तो आप लोग बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कोई क्वेरी या सजेशन होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।